बॉलीवुड के दमदार एक्टर सोनू सूद पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के चलते काफ़ी सुर्खियों में हैं। इन्हें नेक कामों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। जैसा कि सभी को पता है, लॉकडाउन के चलते सोनू सूद ने मजदूरों की काफ़ी मदद की थी। वहीं एक बार फिर सोनू किर्गिस्तान में फंसे 3,000 छात्रों की मदद के लिए आगे आए। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते सोनू सूद ने मजदूरों की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी और उसके बाद एक बार फिर वो पुलिसकर्मियों के लिए आगे आए थे। अब फिर से सोनू सूद किर्गिस्तान में फंसे 3,000 छात्रों की मदद के लिए आगे आए हैं। अब सोनू विदेश में फंसे छात्रों की वतन वापसी में लग गए हैं। उन्होंने स्पाइस जेट के संग अपने नए मिशन की शुरुआत कर दी है। हाल ही में सोनू ने उन बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि किर्गिस्तान से भारत के लिए नई फ्लाइट 27 जुलाई को चलने जा रही है। वहीं ट्वीट शेयर कर बताया कि किर्गिस्तान के प्यारे छात्रों, आपकी बिश्केक से दिल्ली के लिए फ़्लाइट 27 जुलाई को दोपहर 2 बजे चलेगी। 5 बजे तक दिल्ली फ्लाइट लैंड कर जाएगी। आप सभी अपनी डिटेल्स जल्द सेंड करें। हिंदुस्तान आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। जय हिंद। आपको बता दें, सोनू सूद ने किर्गिस्तान में फंसे 2,500 छात्रों को 9 चार्टर्ड प्लेन के जरिए हिंदुस्तान लाने का फैसला लिया है और अब वो इस फैसले को पूरा भी कर रहे हैं। उन्होंने इन बच्चों को अपने वतन वापस लाने का पालन शुरू कर दिया है। हाल ही में एक फ़्लाइट वाराणसी में लैंड भी कर चुकी है। वहीं अब एक और फ्लाइट दिल्ली छात्रों को लेकर पहुंचने वाली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।